नमस्कार मित्रांनो, मी मंगेश पवार, थिंक चेंजर टाटू स्टुडिओ. सो फायनली मी टाटू कुछ दिन पहले मैंने किया था, तो इसका हीलिंग प्रोसेस चालू है. हीलिंग प्रोसेस मतलब जो टाटू नया नया फ्रेश करे तो अच्छा दिखता है. कुछ टाइम पर 3-4 दिन बाद जैसे स्किन निकलना स्टार्ट होता है, जैसे पतला पतला डेड स्किन बोलते हैं उसको. तो ये सब लोग बोलते हैं कि इसको खराब हो रहा है मेरा टाटू, तो टाटू खराब नहीं होता, उसका एक प्रोसेस रहता है. जो डेड स्किन होता है पूरा वो निकल जाता है टैटू के ऊपर का, जो फ्रेश टैटू है उसके ऊपर का पूरा स्किन निकल जाता है. बाद में जितना अपने वर्क किया है वैसा का वैसा टैटू रहता है. ये सब पूरा डेड स्किन निकल जाएगा टैटू के ऊपर का, जैसा पूरा रेड होता नया था वैसा ही रहेगा. जैसे कि हील टैटू मतलब ऐसे हील टैटू होते हैं, जैसे कि ये पूरा हील टैटू है, 3-4 महीने पुराना है. जैसे नया टैटू है, जैसे स्कैबिंग हो रहा है इसका, लोग डर जाते हैं कि यार मेरा टैटू खराब हो गया कुछ हो गया. टैटू खराब नहीं होता, हीलिंग प्रोसेस है. वो आप इसको लगा दे तो हीलिंग के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है. मतलब ये जब भी आप लगाओगे तो उसको निकलने का नहीं, हाथ से खींचना नहीं. जैसे कि क्रीम दिया यहाँ पे थोड़ा सा, क्रीम जैसे लगाने का यहाँ पे ऐसे टैटू को, वो अपने आप निकल जाएगा. जो कपड़े पूरा रेड स्किन वो पूरा निकलता है, हाथ से मत खींचो, टैटू खराब नहीं होता. टैटू एक्चुअली इसका ऊपर का डेड स्किन निकल जाता है, बाद में सेम ऐसा टैटू होता है, रिजल्ट ऐसा रहता है. जैसे फ्रेश टैटू होता है उसके बाद जैसा आपको रिजल्ट जाए वैसे ही सेम मिलता है. तो डरना नहीं, टैटू कुछ नहीं होता. जैसे देखो ये डेड स्किन जा रहा है, इसके 3-4 दिन पुराना टैटू है और एक मंथ में पूरा सेटल हो जाएगा मेरी स्किन, तो अच्छा दिख रहेगा. पूरा ही होता है. तो जैसे कि हम क्रीम लगाएंगे तो ये जो जितना डेड स्किन है वो बाजू में अपने आप निकल आएगा. जैसा पुराना टैटू था वैसा ही रहेगा नीचे, सिर्फ डेड स्किन निकल के जाता है ऊपर का. तो टैटू को कुछ नहीं होता, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था टैटू को, डेड स्किन है वो निकल ही जाता है.